हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, और ये थर्ड क्वेश्चन आपका चैप्टर फाइव है, एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज। हमने वर्कशीट नंबर टू स्टार्ट की हुई है, वर्कशीट टू का क्वेश्चन नंबर थ्री। अ मैन परचेज्ड अ सेल फोन ₹4,2000। कोई एक मैन है, उन्होंने एक सेल फोन मतलब मोबाइल परचेज़ किया कितने में, ₹2000 में। बाय पेइंग ₹200 मोर ही रिप्लेसेस इट्स बॉडी केस। बॉडी केस मतलब जैसे पहले होता था ना, अब तो शायद ऐसे नहीं कराते हैं। मोबाइल लेके आए तो उसमें ना जैसे वो बटन्स वाला होता था, उसमें उसके बटन्स जैसे ख़राब हो जाते थे, है ना, तो उसकी जो बाहर वाला जो पूरा बॉडी केस बाहर से होता था उसको सारे को रिप्लेस करवा देते थे। तो ठीक है, अब उसमें उसने लिया कितने में है सेल फोन, उसने परचेज़ तो किया 2000 में, लेकिन उसके ऊपर ओवर हेड एक्सपेंसिज हैं। क्यों? क्योंकि उसने जो बॉडी केस लिया वो कितने का आया, 200 मोर। तो अगर हम जितने में परचेज़ किया हो उसके अलावा अगर हमसे कुछ पैसे खर्च होते हैं वो किस में इंक्लूड होते हैं, ओवर हेड एक्सपेंसिज में। ठीक है, इफ़ ही सेल्स सेल फोन फॉर ₹2500, फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। देखो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं परचेज करना, परचेज करना मतलब कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस ऑफ सेल फोन। ठीक है, ये कितना है ₹2000। ठीक है, अब इसके ऊपर बॉडी केस लेने के लिए इसके ऊपर खर्च हुए हैं, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ वो क्या आएंगे आपके, ओवर हेड एक्सपेंसिस, ओवर हेड एक्सपेंसिस। ब्रैकेट में मैं लिख देती हूँ ये कि कौन से हैं, बॉडी केस वाले। ठीक है, ये कितने हैं ₹200। ठीक है, 200। अब आप बताओ, आपको सबसे पहले यहाँ आपको एक्चुअल सीपी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ निकालेंगे देयरफॉर एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। मैंने अभी अभी आपको क्वेश्चन नंबर वन में भी समझाया था, हमने जो मोबाइल परचेज जो सेल फोन है वो परचेज तो किया है 2000 में, लेकिन उसके बाहर का जो कवर है वो चेंज करवाने में कितने रुपीज़ एक्स्ट्रा लग गए हैं, 200। तो टोटल खर्च कितना हुआ, टोटल खर्च को ही हम यहाँ पर ये एक्चुअल सीपी बोलते हैं। तो वो क्या आएगा, उसमें आपको कॉस्ट प्राइस में आपको ऐड करना पड़ेगा ओवरहेड एक्सपेंस। तो ये आ जाएगा 2000 प्लस 200, तो ये आ जाएगा आपका 2200 रुपी। ठीक है, कॉस्ट प्राइस आ गया। इसके बाद आपको बताया गया है इफ़ ही सेल्स द सेल फोन फॉर ₹2500, आपको सेलिंग प्राइस भी दिया हुआ है सेल फोन का, वो कितना है ₹2500। अब आप सोच के बताओ, आपने कोई चीज़ है, कोई सेल फोन आपने परचेज़ तो किया 2200 में, लेकिन आगे उसको किसी को सेल कर दिया, उसको बेच दिया 2500 में, खर्च कम हुआ है लेकिन बेच दिया उसको ज़्यादा में, तो ये आपका यहाँ पर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। जब हम किसी चीज़ को ज़्यादा रुपीज़ में बेच देते हैं, आगे सेल कर देते हैं, तो उससे हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो यहाँ आपकी बुक में लिखा भी हुआ है कि सीपी और एसपी में अगर एसपी बड़ा है, ठीक है, जिधर से खुला होता है ये बड़ा होता है, अगर ये बड़ा है तो आपको क्या होता है, प्रॉफिट। ठीक है, अगर सीपी और एसपी में सीपी बड़ा है तो आपका क्या होता है, यहाँ पर लॉस होता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमारा सेलिंग प्राइस बड़ा है तो हमें क्या हुआ इसमें, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को क्या करना पड़ता है, माइनस। सेलिंग प्राइस तो है 2500 और उसमें से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे 2200। देखो इतना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलों की वजह से कॉम्प्लिकेटेड मत सोचो, आप सिंपल अपने दिमाग में सोचो कि आप ही शॉपकीपर हो, ठीक है, या फिर वो जो पर्सन है वो सेल फोन लेके आया है, लेके आया इतने में और आगे बेच दिया इतने में, तो प्रॉफिट हुआ 300 का। ठीक है, तो इतने इजी क्वेश्चन होते हैं कि बच्चे एकदम माइंड में ही करके बता देते हैं। 2500 में से 2200 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ₹300। अब मुझे परसेंटेज में बताना है, फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। तो अब मैं यहाँ फाइंड करूँगी प्रॉफिट परसेंटेज। मैंने अभी अभी आपको सिखाया था प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ प्रॉफिट है तो हम यहाँ पर भी प्रॉफिट ही लिखेंगे, अपॉन में हमेशा क्या आता है सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पर प्रॉफिट आया है 300 और कॉस्ट प्राइस है इस क्वेश्चन में एक्चुअल। देखो कॉस्ट प्राइस की जब भी बात आए और अगर आपने एक्चुअल सीपी निकाला हो तो हमेशा एक्चुअल सीपी ही नीचे लिखा जाएगा, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है उसका 2200 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, क्लियर है। अब हम इसको क्या करेंगे, 20 से ये वाले 20 कैंसिल हो जाएंगी, इसको और ज़्यादा कैंसिल करेंगे, 2 वन ज़ा 2, 2 वन ज़ा 2,
टू फाइव ज़ा टेन ज़ीरो, ठीक है, तो यहाँ से आता है ज़ीरो, फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन एंड डिवाइडेड बाई इलेवन, इतने परसेंटेज हमें क्या हुआ है प्रॉफिट। लेकिन अभी हम इसको क्या करेंगे, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे, तो मैं यहाँ पर डेसिमल में कन्वर्ट करके दिखा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर जगह कम है। 150 को हम किससे करेंगे, 11 से, ये आप चलो इधर ही कर देते हो, ये रफ वर्क में ही करना है आपको। 150 को डिवाइड करेंगे 11 से, 11 वन ज़ा 11, तो यहाँ से आएगा 4, यहाँ से 0 को नीचे लिया तो यहाँ से आएगा 11 थ्री ज़ा 33, ठीक है, यहाँ से बचेगा 7, तो यहाँ से डेसिमल, यहाँ पर भी डेसिमल, ये 0 को नीचे लेंगे 11 सिक्स ज़ा, सॉरी इस 0 को नीचे लिया 11 सिक्स ज़ा 66, यहाँ से आएगा 4, यहाँ से 0, 11 थ्री ज़ा 33। अब इसको आप जहाँ तक लेके जाना चाहो जा सकते हो, वो पूरा आपका ख़त्म नहीं होती है डिवीज़न, तो ये आएगा 13.63% प्रॉफिट है ये आपका, और आप यहाँ लिख दोगे अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि हमने पूरा डिवाइड, वो पूरा डिवाइड हो ही नहीं रहा, तो इसका आंसर आ जाएगा 13.63%, ठीक है, प्रॉफिट है और ये आपका, क्योंकि हमने यहाँ लिखा हुआ प्रॉफिट। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया है, नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, अ मैन बाइज 5 डजन एग्स एट रुपी 36 पर डजन, आउट ऑफ विच 5% गोट ब्रोकन, ही सोल्ड द रिमेनिंग एग्स फॉर रुपी 48 पर डजन, वट वॉज हिज टोटल गेन। ध्यान से देखो, अ मैन बाइज 5 डजन एग्स, ठीक है, कोई एक पर्सन है, उन्होंने कितने एग्स लिए हैं, 5 डजन, ठीक है, एक तो चीज़ ये पता चली हमें, एट रुपी 36 पर डजन, पर डजन का मतलब ये होता है कि 1 डजन कितने के आए हैं, 36 के, तो 5 डजन तो ज़्यादा के आएंगे, तो हम 36 को किसे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, वो अभी आगे लिखेंगे हम। आउट ऑफ विच 5% गोट ब्रोकन, उनमें से कुछ एग टूट भी गए हैं, ही सोल्ड द रिमेनिंग एग्स फॉर रुपी 48 पर डजन, बट वॉज हिज टोटल गेन। ध्यान से देखो, थोड़ा सा मतलब इसमें स्टेटमेंट में काफ़ी कुछ दिया गया है, तो जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हम सबसे पहले वो लिखते हैं। इन्होंने बोला है 36 पर डजन, बाय किया, बाय का मतलब क्या होता है, सेलिंग कोस्ट प्राइस, तो हम यहाँ लिखेंगे कोस्ट प्राइस ऑफ 1 डजन एग्स, ठीक है, वो हमें कितना दिया है रुपी 36। ध्यान से देखो, सबसे पहले मैंने ये लिखा है 36 पर डजन, मतलब 1 डजन का कॉस्ट प्राइस कितना है 36, ठीक है, ये लिख लिया कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 डजन एग्स इज 36, लेकिन हमने टोटल लिए कितने हैं 5 डजन, तो मुझे तो यहाँ से कंप्लीट चीज़ का सीपी चाहिए ना, तो मैं यहाँ लिखूँगी कॉस्ट प्राइस, देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 डजन एग्स, ठीक है, 1 डजन आते हैं 36 के, तो 5 डजन ज़्यादा के आएंगे, ज़्यादा के लिए क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय 5, 5 सिक्स ज़ा 30, 0 3, 5 थ्री ज़ा 15 और 3 18, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 180, इतना तो हो गया। हमें कोई भी क्वेश्चन करना, तो हमें कॉस्ट सी पी एस पी पता होना चाहिए, तो मुझे सी पी पता चल गया कितना है रुपी 180, ठीक है, हो गया। अब इसके बाद एक चीज़ उन्होंने बोली, आउट ऑफ विच ए 5% गोट ब्रोकन, तो अभी इसमें यहाँ पर मैं थोड़ा इधर लिख रही हूँ, यहाँ देखो टोटल एग्स कितने थे, टोटल एग्स थे 5 डजन, ठीक है, ये तो डजन में, अगर मैं काउंटिंग में वैसे पूछना चाहूँ तो कितने होंगे, 5 मल्टीप्लाई 1 डजन में कितने होते हैं 12, तो 12 फाइव ज़ा 60, टोटल कितने एग्स थे 60 एग्स थे, ठीक है, उनमें से 5% गोट ब्रोकन, ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूँगी ब्रोकन एग्स, ब्रोकन एग्स कितने आएंगे, वो है आपका 5%, अब 5% किसका, 5% ऑफ टोटल एग्स, और टोटल एग कितने हैं 60, तो यहाँ से लिखो 5, परसेंटेज का अपोन में 100 आ जाएगा, ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय 60, 0 से 0 को कैंसिल करते हैं, 5 वन ज़ा 5, 5 टू ज़ा 10, 2 वन ज़ा 2, 2 थ्री ज़ा 6, तो यहाँ से मुझे पता चला कि जो 3 एग्स हैं वो क्या हो गए हैं, टूट गए हैं, ठीक है, 3 एग्स थे वो टूट गए हैं, तो अब रिमेनिंग एग्स कितने बचेंगे, तो मैं यहाँ लिखती हूँ रिमेनिंग एग्स, कि जो बचे हुए एग्स हैं वो कितने हैं, टोटल थे 60, उसमें से 3 एग टूट गए हैं, तो अब कितने बचेंगे, 57 एग्स, ठीक है, क्लियर है। पहले मैंने टोटल 5 डजन एग्स थे उनका कॉस्ट प्राइस निकाल दिया, अब मुझे यहाँ से मैंने निकाला कि टोटल एग्स में से ब्रोकन एग्स अगर मैं माइनस कर दूँगी तो वो रिमेनिंग एग्स बच जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखो, ही सोल्ड द रिमेनिंग एग्स फॉर रुपी 48 पर डजन, उसने किस हिसाब से बेचा है कि जो पर डजन, एक 1 डजन एग्स हैं वो उसने कितने में सेल किए हैं, 48 में, तो मैं यहाँ लिखती हूँ सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डजन
वन डज़न का मीनिंग क्या होता है, वन डज़न, एक वन डज़न में कितने होते हैं, आप बनाना भी लेके आते हो, एग्स भी लेके आते हो, तो वन डज़न में कितने एग्स आते हैं, 12 eggs, ठीक है। तो जो वन डज़न एग्स हैं वो उसने कितने में सेल किए हैं, 48 में, रुपी 48 में, ठीक है। अब यहाँ से देखो, मुझे बताना व्हाट वाज हिज टोटल गेन, उसको कितना गेन हुआ है, मतलब प्रॉफिट, गेन का मीनिंग भी क्या होता है, प्रॉफिट ही होता है। अब प्रॉफिट निकालना तो मुझे सीपी और एसपी दोनों चाहिए होते हैं, सीपी तो मेरा निकला हुआ है 180, अब मुझे एसपी निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस देखो, इसने वन डज़न का दिया हुआ, उसने 12 एग्स बताए हैं, 48 में बिके हैं, लेकिन मुझे तो देखना है कि 50, क्योंकि अभी मेरे पास 57 एग्स बचे हुए थे ना, कि 57 कितने में बिके होंगे। तो आप यहाँ से देखो, सेलिंग प्राइस ऑफ वन एग, एक एग कितने का बिका होगा, देखो 12 एग तो बिके हैं 48 के, तो एक एग तो ऑब्वियसली बात है कि कम का ही बिका होगा, और कम के लिए डिवाइड करना होता है, 48 डिवाइडेड बाय 12, 12 वन ज़ा 12, 12 फोर ज़ा 48, ठीक है। तो एक एग कितने का बिका है, 4 रुपी का। अब मुझे बताना, क्योंकि मेरे पास कितने एग्स हैं, 57 एग्स बचे हुए हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ 57 एग्स, एक एग तो बिका है 4 रुपी में, तो 57 तो ज़्यादा में बिके होंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 57 से, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, रुपी 228, ठीक है, रुपी 228, क्लियर है यहाँ तक। अब आप यहाँ से देखो, कॉस्ट प्राइस तो है आपके पास, जितने में सारे एग्स आए थे वो तो था 180, और जितने में जो भी बचे हुए एग थे वो बिक गए हैं, वो कितना है, रुपी 228। अब मुझे बताना है कि उसको कितने रुपये का प्रॉफिट हुआ है, और सिंपल प्रॉफिट बताना है, कोई परसेंटेज में नहीं बताना। उन्होंने बोला है व्हाट वाज हिज टोटल गेन, बस आपको गेन बताना है, गेन कह लो या प्रॉफिट कह लो। तो यहाँ पर आएगा देयरफॉर, गेन लिखा हुआ तो मैं गेन ही लिख रही हूँ, ब्रैकेट में इसका मीनिंग होता है प्रॉफिट। उसके लिए क्या करना होता है, देखो आप पहले देखो गेन हुआ भी है या नहीं, कॉस्ट प्राइस है 180 और सेलिंग प्राइस है 228, तो बिके ज़्यादा में है तो प्रॉफिट ही होगा। उसके लिए हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को क्या कर देंगे, माइनस 228 में से माइनस कर देंगे 180 को, ठीक है, माइनस करेंगे, यहाँ से आएगा 8, यहाँ से 12 में से 8 माइनस होगा 4, तो आपके पास कितना आ जाएगा, प्रॉफिट कितने रुपये का हुआ है, 48 का, ठीक है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर ये हो गया 4, ये है आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। राहुल बाइज एंड अलमीरा फॉर रुपी 2000। राहुल कोई एक बच्चा है, तो खैर क्या, कोई भी एक पर्सन है जिसका नेम क्या है, राहुल। राहुल बाइज एंड अलमीरा फॉर रुपी 2000 एंड स्पेंड्स रुपी 400 एज इट्स ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। इफ़ ही सेल्स द अलमीरा फॉर रुपी 3000 डिटरमाइन हीज प्रॉफिट परसेंट। ध्यान से देखो, सबसे पहले जो राहुल है उसने एक अलमीरा को बाय किया, बाय करने का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। जब भी बाय लिखा आए, परचेज्ड लिखा आए, तो उसका मीनिंग कॉस्ट प्राइस ही होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ अलमीरा, ठीक है, वो कितना दिया है, उसने कितने में ली है, 2000 में, ठीक है। एंड स्पेंड्स 4000 एज इट्स ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। और मैंने आपको बताया था, ये जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस या जो एक्स्ट्रा जो चार्ज हो जाता है वो किस में आता है, ओवरहेड एक्सपेंसेस। तो मैं यहाँ लिखूँगी ओवरहेड एक्सपेंसेस, ब्रैकेट में लिख दो, किसको बोला है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कितने लगे हैं उसके, रुपी 400, ठीक है। अलमीरा खरीदी है उसके लिए भी रुपीस खर्च हुए हैं, ट्रांसपोर्टेशन के जो चार्जेस दिए हैं उसके लिए भी रुपीस खर्च हुए हैं। तो मुझे यहाँ से देखना पड़ेगा कि जो राहुल हैं उसके अभी फ़िलहाल खर्च कितने हुए हैं, मतलब उसका एक्चुअल सीपी क्या है। देयरफॉर एक्चुअल सीपी, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस ऑफ अलमीरा, उसके लिए आपको ये कॉस्ट प्राइस में और ये ओवरहेड एक्सपेंसेस दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड। 2000 में आप ये 400 ऐड कर दोगे तो वो आ जाएगा 2400, ठीक है। ये तो आ गया कॉस्ट प्राइस, लेकिन उन्होंने बोला है इफ़ ही सेल्स द अलमीरा फॉर रुपी 3000, हमें दिया हुआ है सेलिंग प्राइस ऑफ अलमीरा, ये दिया हुआ है रुपी 3000। अब आप पहले सोचो कि प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है, खुद तो खर्च किए हैं 2400, लेकिन आगे किसी को सेल कर दिया 3000 में, जब ज़्यादा में उसको सेल कर देते हैं तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को क्या कर देंगे, माइनस 3000 में से 2400 माइनस होगा तो ये आ जाएगा रुपी 600, ठीक है। लेकिन मुझे बताना है फाइन डिटरमाइन हिज प्रॉफिट परसेंट, मुझे प्रॉफिट परसेंटेज में बताना है, तो मैं यहाँ लिखूँगी प्रॉफिट परसेंटेज,
उसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। हमेशा यही होता है, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट लिखेंगे, लॉस है तो लॉस, और अपॉन में हमेशा कॉस्ट प्राइस आता है। तो प्रॉफिट तो है हमारे पास 600 और कॉस्ट प्राइस कौन सा आएगा, एक्चुअल वाला, ठीक है, एक्चुअल सीपी जो है आपका, एक्चुअल सीपी था 2400, ठीक है, और मल्टीप्लाई में आएगा 100। दो जीरो से ये वाली दो जीरो कैंसिल होंगी, 6 1 6 6 4 24, 4 1 4 4 2 8, ठीक है, यहाँ से 2 बचेगा, 4 5 20, तो यहाँ से आ जाएगा 25%। तो प्रॉफिट कितने का हुआ है, 25%। तो यहाँ पर आपकी वर्कशीट नंबर 2 कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।